गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूँ यार मैं आज आपके सामने राउट 53 की लैब लेके, जिसमें आज मैं आपको सारे फीचर्स दिखाऊंगा कि राउट 53 के अंदर क्या क्या होता है। जो अब तक हमने थ्योरी में पढ़ा है वो लैब में हमें कहाँ दिखेगा, क्या क्या चीजें होंगी, कैसे कैसे आपको कॉन्फिगर करना है वो देखिए। आपको सबसे पहले यहाँ नेटवर्किंग के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको राउट 53 का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ये आपको बता रहा है कि यू कैन यूज अमेजन राउट 53 टू रजिस्टर न्यू डोमेन, ट्रांसफर एग्जिस्टिंग डोमेन, राउट ट्रैफिक फॉर योर डोमेन टू योर AWS एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज, और आप इसकी हेल्थ भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो थ्योरी में ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आपके पास चार सर्विसेज यहाँ नजर आ रही हैं। डोमेन रजिस्ट्रेशन आप यहाँ कर सकते हैं, मॉनिटरिंग यहाँ कर सकते हैं, ट्रैफिक को अगर आपने डाइवर्ट करना है या कुछ भी करना है वो यहाँ कर सकते हैं, और DNS मैनेजमेंट यहां से करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि अगर आप AWS से डोमेन खरीदना चाहते हैं तो वो आपको कैसे खरीदना होगा, क्योंकि अगर आप इसकी लैब करना चाहते हैं, आप कोई वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं S3 बकेट के अंदर या सर्वर के अंदर, तो आपको पहले डोमेन खरीदना होगा। वो आप GoDaddy से भी ले सकते हैं, वो आप AWS से भी ले सकते हैं। तो अगर आपको AWS से लेना है तो आपको यहां डोमेन रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड नाउ पे जाना है। यहां आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, रजिस्टर डोमेन और ट्रांसफर डोमेन। अगर आप नया डोमेन खरीदना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे रजिस्टर डोमेन पे। यहां देखिए अभी तक मैंने कोई भी डोमेन सिलेक्ट नहीं किया है या कोई अभी सर्च नहीं किया है, तो ये मुझे बोल रहा है कि आप पहले कोई डोमेन जो है वो चूज करें, कोई सिलेक्ट करें, पसंद करें। तो सपोज मैं सर्च करता हूं कि भैया मुझे वेबसाइट बनानी है टेक्निकल गुफ्तगु के नाम से, तो मैं देखता हूं कि क्या टेक्निकल गुफ्तगु डोमेन अवेलेबल है। technicalguftgu.com ये इसका टॉप लेवल डोमेन है। आप technicalguftgu.com भी खरीद सकते हैं, आप technicalguftgu.net भी खरीद सकते हैं, आप technicalguftgu.org भी खरीद सकते हैं, और उसकी कीमत बगल में लिखी हुई है। ये कीमत एनुअली होती है, आपको एक साल का इसका चार्ज जो देना पड़ेगा वो $12 देना पड़ेगा। इससे महंगे भी मिल जाएंगे, सस्ते भी मिल जाएंगे। .co.uk $9 का है, 9 से सस्ता यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, 8-9 से नीचे आपको नहीं मिलेगा, बाकी इससे महंगे भी आपको मिलेंगे। देखिए अगर आप .io लेते हो तो वो 39 का पड़ रहा है आपको एनुअली चार्ज डोमेन खरीदने का, और इस तरीके से मल्टीपल आपके पास अवेलेबल है। तो सपोज मैं technicalguftgu.com खरीदना चाहता हूं तो मैं चेक करूंगा कि क्या ये डोमेन मैं खरीद सकता हूं, क्या ये अवेलेबल है। अगर ये किसी और के पास होगा पहले से तो फिर मैं नहीं ले सकता, तो मैं चेक करता हूं क्या ये अवेलेबल है। जी ये अवेलेबल नहीं है, technicalguftgu.com अनअवेलेबल ये दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं अब यहां पे technicalguftgu.in अगर मैं सिलेक्ट करूं तो क्या ये अवेलेबल है, या .info में सर्च करूं। जी हाँ technicalguftgu.info मैं ले सकता हूं, यानी कि ये अवेलेबल है। मेरे को ये $12 का पड़ेगा, इसका जो प्राइस है पर ईयर का, साल का इस डोमेन का जो मुझे चार्ज देना पड़ेगा एनुअली वो मुझे $12 देना पड़ेगा। अगर आप इस डोमेन को लेना चाहते हैं तो आप एड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपको दिखाएगा कि आपका एक साल के लिए रजिस्टर हो जाएगा जिसकी कीमत होगी $12, ठीक है। अब उसके बाद आप यहां पे कंटिन्यू पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ ये आपसे आपकी सारी डिटेल पूछेगा, आपने अपना कॉन्टेक्ट टाइप, आप पर्सन डालना चाहते हैं, कंपनी के लिए डोमेन खरीद रहे हैं, किसी पब्लिक बॉडी के लिए डोमेन खरीद रहे हैं, वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना नाम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, ऑर्गेनाइजेशन आपको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कंपनी डालते हैं तब यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन नजर आएगा, अगर आप पर्सन सिलेक्ट करते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन डालने की जरूरत नहीं है। ईमेल आईडी आप एंटर करें, फोन नंबर आप एंटर करें, अपना एड्रेस एंटर करें, पोस्टल जिप एंटर करें, और ये सारी चीजें करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। ये आपको पेमेंट के लिए लेके जाएगा, पेमेंट का ऑप्शन आपके पास आएगा, उसके बाद ये डोमेन आप खरीद सकते हैं। तो ये तरीका है दोस्तों डोमेन खरीदने का। अगर आप लैब करना चाहते हैं, जो मेरी ऑलरेडी अवेलेबल है, एक स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग की लैब ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उस लैब को खरीदने के लिए आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं खरीद रहा क्योंकि ये चार्जेबल है, ये फ्री टीयर अकाउंट में नहीं है, बट अगर आप करके देखना चाहते हैं तो फिर आपको इसका पे करना पड़ेगा, ये डोमेन आपको खरीदना पड़ेगा। अगर आप सस्ता डोमेन चाहते हैं तो आप GoDaddy पे भी जा सकते हैं, आप GoDaddy सर्च करें, वहां आपको सस्ता डोमेन मिल जाएगा। यहां आपको जो डोमेन मिल जाएगा वो 499 में मिल जाएगा, वो भी .com वाला डोमेन, ठीक है। तो आप GoDaddy से भी डोमेन खरीद सकते हैं, बट उसमें ये होगा कि उस केस में फिर आपको नेम सर्वर यहां से उठा के वहां अपडेट करने पड़ेंगे। तो अगर लैब करने के लिए या एग्जाम देने के लिए जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कहाँ क्या चीज होती है, जो मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूँ। तो आप नेवी खरीदते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो ये तरीका है डोमेन खरीदने का। अगर आपने जो भी डोमेन खरीदे हुए होंगे वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे रजिस्टर्ड डोमेन के अंदर, ये जो साइड में आपको दिख रहा है रजिस्टर्ड डोमेन।
अगर वो डोमेन आप ट्रांसफर करना चाहते हैं गो डैडी से AWS के पास, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, ट्रांसफर डोमेन पे, और यहां आप उस डोमेन को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डोमेन है उसे आप ट्रांसफर करने के लिए चेक करेंगे और फिर आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये डोमेन ट्रांसफर करने का ऑप्शन था। इसके बाद अब हम अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं वापस। यहां अब मैं आपको डीएनएस मैनेजमेंट दिखाता हूं, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम काम जो होता है, अगर आपके पास डोमेन अवेलेबल है तो आपको अगर वेबसाइट होस्ट करानी है तो वो आप यहां से होस्ट कराएंगे। तो आप गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करें। यहां देखिए आपके पास दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, होस्टेड जोन, हेल्थ चेक। जब तक आप होस्टेड जोन नहीं बनाएंगे आप रिकॉर्ड सेट क्रिएट नहीं कर सकते। और यहां पे लिखा हुआ है अमेज़न राउट 53 इज एन ऑथोरिटेटिव डोमेन नेम सिस्टम, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राउट 53 ऑथोरिटेटिव डीएनएस की तरह काम करता है, बिल्कुल करता है। डीएनएस इज द सिस्टम दैट ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस, तो ये भी हम थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब आप क्रिएट होस्टेड जोन पे क्लिक करें। अगर आपने वहां डोमेन खरीदा है, अगर सपोज आपने वहां डोमेन खरीद लिया जहां मैं अभी आपको दिखा रहा था, तो यहां पे अपने आप एक होस्टेड जोन क्रिएट हो जाएगा उस डोमेन के लिए। बट अगर आपने वहां डोमेन नहीं खरीदा है, गो डैडी से डोमेन खरीदा है या किसी और रजिस्ट्रार से, कंपनी से डोमेन खरीदा है, उस केस में आपको मैनुअली यहां पे होस्टेड जोन क्रिएट करना होगा और आपको यहां पे क्लिक करना होगा। अभी यहां पे आपको कोई होस्टेड जोन नजर नहीं आ रहा है, तो आप क्रिएट होस्टेड जोन पे क्लिक करेंगे और अब आपको यहां वही डोमेन नेम लेना पड़ेगा जिस डोमेन नेम को आपने खरीदा है। अगर AWS पे खरीदा है तो बाय डिफॉल्ट बन गया होगा। अगर आपने कहीं और खरीदा है तो उसी नाम से यहां होस्टेड जोन क्रिएट करें, उस डोमेन के नाम से जो आपने खरीदा है। उसके बाद कमेंट में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप पब्लिक होस्टेड जोन बनाना चाहते हैं या प्राइवेट, तो प्राइवेट तो आपको नहीं बनाना है, थ्योरी में मैं आपको बता चुका हूं। आप पब्लिक सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे। देखिए क्रिएट पे क्लिक करते ही मेरे पास चार नेम सर्वर क्रिएट हो गए, ठीक है, चारों अलग हैं। इसका .org है, इसका .co.uk है, इसका .com है और इसका .net है। चारों अलग अलग मेरे नेम सर्वर क्रिएट हो गए हैं। टाइम टू लीव देखें तो इनका 365 इयर्स होगा, आई थिंक वो 365 डेज होगा, ये आप चेक कर लीजिएगा। और इसका जो TTL है वो 900 है, ठीक है। तो ये चार नेम सर्वर आप क्रिएट हो जाते हैं होस्टेड जोन क्रिएट करते ही, और एक स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी जोन क्रिएट हो जाता है। ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, आप देखिए यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपको बता रहा है। तो स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी जोन का मतलब है कि आपकी डोमेन की डिटेल्स क्या है, तो ये उसको बताता है। तो एक चीज आपको याद रखनी है, इन दोनों को ही आपको कभी छेड़ना नहीं है, इनको आपको कभी भी जो है चेंज नहीं करना है, इनको आपको एडिट कभी नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर याद रखें। उसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपका होस्टेड जोन क्रिएट हो गया, उसके बाद अब आप करना चाहते हैं कि यार मैंने मेरी वेबसाइट होस्ट करानी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक रिकॉर्ड सेट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड सेट में ही आप उसे ये बताएंगे कि मेरी वेबसाइट का सर्वर का आईपी क्या है, मैं सर्वर कहां पे मेरा पड़ा हुआ है, मैं कौन सी राउटिंग लगाना चाहता हूं, वो सारा काम आपका क्रिएट रिकॉर्ड सेट में होता है। तो अब आप क्रिएट रिकॉर्ड सेट पे क्लिक करेंगे और यहां पे ये आपसे पूछेगा कि आप रिकॉर्ड सेट किस नाम से बनाना चाहते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट को www.technicalguftgu के नाम से सर्च कराना चाहते हैं तो आप यहां पे एंटर करेंगे www.technicalguftgu.com, तो आपको यहां टाइप करना है www। अगर आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट सर्च हो info.technicalguftgu के नाम से तो info.technicalguftgu हो जाएगा, आप यहां info लिखते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट सर्च हो खाली technicalguftgu.com के नाम से सर्च हो जाए तो आप इसको खाली छोड़ दें। अब ये आपसे कहता है भैया टाइप कौन सा रखना है, ए का मतलब है ए रिकॉर्ड, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ थ्योरी में, ये सारी चीजें बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि भैया हमारा जो सर्वर का आईपी है मैं तो उसको इस्तेमाल करूंगा, मैं आईपी एड्रेस आपको बता दूंगा, आप उससे कनेक्ट कर देना। तो यहाँ पे आपको ए रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद एलियास के अंदर आपके पास येस और नो का ऑप्शन है, अगर आप नो करते हैं तो आपने सिंपल यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस सर्च कॉपी पेस्ट कर देना है, जो भी आपके सर्वर का है, वो आपने जो क्रिएट किया होगा EC2 इंस्टांस जिसपे आपने वेबसाइट होस्ट की होगी, आप उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल दें। पब्लिक आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है, प्राइवेट बिल्कुल ना करें, आप उसका पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ एंटर कर दें। अगर कोई आपके पास आपकी वेबसाइट किसी बकेट में बनी हुई है या लोड बैलेंसर को आप लोड बैलेंसर के थ्रू आप कराना चाहते हैं, भैया लोड बैलेंसर में चार सर्वर है तो मैं चारों के आईपी ना बता के मैं लोड बैलेंसर का डीएनएस भी उसमें डाल सकता हूं, तो फिर आपको यहां सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो चीज आपने क्रिएट की होगी वो आपको यहां नजर आ जाएगी। अभी मुझे क्यों नहीं नजर आ रही है, क्योंकि मैंने अभी कुछ क्रिएट नहीं किया हुआ,
लेकिन अगर आपने S3 वेबसाइट बनाई होगी आपको यहाँ नजर आ जाएगी मेरी लैब ऑलरेडी अवेलेबल है, वो लैब आप इसके बाद जरूर करिएगा S3 वेबसाइट होस्टिंग की। तो आपको यहाँ पर S3 वेबसाइट एंड पॉइंट में एक बकेट नजर आ रही होगी उस लैब के अंदर, तो आपने जो कुछ भी क्रिएट किया होगा वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा, आप उसे सिलेक्ट कर लें। इसका मतलब ये है कि भैया मैं डायरेक्ट आईपी ना बता के आपको टारगेट बता रहा हूँ कि आपको किस बंदे से कम्युनिकेट करना है, मेरे लोड बैलेंसर से करना है, आप लोड बैलेंसर सिलेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क लोड बैलेंसर कर सकते हैं, क्लाउड फ्रंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप उसका डीएनएस यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद देखिए ये रहा राउटिंग पॉलिसी का ऑप्शन, यहाँ पे आपके पास सारी राउटिंग पॉलिसी अवेलेबल है। सिंपल आप लगाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट सिंपल ही होती है, उसमें आपको सिर्फ यहाँ आईपी एड्रेस डालना है। अगर आप नो करते हैं तो आप आईपी एड्रेस डाल दें, अगर आप यस करते हैं तो एलियास का टारगेट डाल दें जहां भी आपकी वेबसाइट या वो सर्विस चल रही है, और उसके बाद सिंपल करके क्रिएट कर दें, आपका काम हो जाएगा। बट अगर आप इसके अलावा कोई दूसरी राउटिंग लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप वेटेड लेते हैं, तो वेटेड के केस में आपको दो रिकॉर्ड सेट बनाने पड़ेंगे। पहले यहां आपको पहले का वेट देना पड़ेगा कि भैया मैं चाहता हूं 70% ट्रैफिक यहां चला जाए, तो 70 आप इसको देखें और आईडी में आप लिख दें वेब सर्वर 1, ठीक है, यहां वेब सर्वर 1 आप लिख दें, और उसके बाद इवैल्यूएट टारगेट हेल्थ, ये आपको यस करना पड़ेगा, आपको हेल्थ रिकॉर्ड हेल्थ चेक बनाने पड़ेंगे इनके, तो आप हेल्थ चेक भी बनाएंगे, ठीक है। तो आप इस काम को करने से पहले बेटर है कि आप हेल्थ चेक बना लें, हालांकि इसमें मैंडेटरी नहीं है, आप नो भी कर सकते हैं। मैंडेटरी किसमें होता है, फेल ओवर के अंदर मैंडेटरी होते हैं हेल्थ चेक बनाने, तो फेल अगर आप फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी लगा रहे हैं तो पहले आपको उसके लिए हेल्थ चेक लगाने पड़ेंगे। तो अच्छा मैं अभी आपको वेटेड के बारे में बता रहा था, तो यहां पे आपने 70% करके वेब सर्वर 1 लिखना है आपको, यहां दोनों पे आप नो नो कर दें और क्रिएट कर दें। जब ये क्रिएट हो जाएगा उसके बाद दोबारा एक क्रिएट रिकॉर्ड सेट करें, उसमें अब की बार आप डोमेन तो सेम रहने देंगे दोनों के लिए, आईपी एड्रेस अगर आपके पास है आप आईपी एड्रेस अब दूसरे सर्वर का डालें, यहां पे सपोज आप नो कर देते हैं, अब आपका जो दूसरा सर्वर है उसका आईपी एड्रेस आप यहां पे डालें। राउटिंग पॉलिसी वेटेड ली है, इस बार आप कहें कि भैया इसके पास 30% ट्रैफिक जाना चाहिए, तो यहां आप 30 कर दें, इसका नाम वेब सर्वर 2 कर दें, यहां पे नीचे नो रहने दो और क्रिएट कर दें। तो अब आपका क्या हुआ, आपके दो राउटिंग पॉलिसी आपने बना दी है, एक को 70% ट्रैफिक एलोकेट किया है, एक को 30% किया है, तो क्या होगा ट्रैफिक जो होगा वो इस तरीके से राउट होगा कि 70% वहां जाएगा और 30% दूसरे के पास जाएगा। आप ये पॉलिसी भी लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लेटेंसी पॉलिसी लगा रहे हैं तो फिर आपको रीजन सिलेक्ट करना होगा, आपने जो भी सर्वर लिया है, सपोज आपने जो भी आईपी एड्रेस यहाँ डाला है जिस भी सर्वर को आपने क्रिएट किया है, तो वो सर्वर का रीजन आपको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा कि सर्वर आपने कहाँ क्रिएट किया है, क्योंकि लेटेंसी तभी कैलकुलेट हो पाएगी, क्योंकि आपके सर्वर से यूजर तक का डिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा कि वहां से जो लेटेंसी है, जो रेस्पॉन्स है वो कितने मिली सेकेंड में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो सर्वर जहां भी आपने क्रिएट किया होगा वो रीजन आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, सेट आईडी आप कुछ भी दे दें, वेब दे दें आप, और उसके बाद आप क्रिएट कर दें। तो लेटेंसी के केस में आपको जो रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे वो आपके जितने भी सर्वर हैं उनको रीजन्स के साथ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपका ये काम हो जाएगा। तो यहाँ ये आपको नजर आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है फेल ओवर, फेल ओवर की लैब करने के लिए आपको पहले हेल्थ चेक पे जाना पड़ेगा, यहां पे आपको क्रिएट हेल्थ चेक पे क्लिक करना पड़ेगा, यहां आपको example.com है, इसमें आप अपने एंड पॉइंट का कुछ भी नाम दे दें, आप सर्वर 1 या फेल ओवर सर्वर 1 कुछ भी दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फेल ओवर के केस में आपके पास सपोज दो सर्वर हैं, तो पहले सर्वर का आप आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी यहां डालेंगे, जो आपका होस्ट नेम है वो आप कुछ भी ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सर्वर की आईपी यहां डालनी है, ठीक है, और उसके बाद आप नेक्स्ट करके इसको सिलेक्ट कर लें, आपका एक हेल्थ चेक बन जाएगा। सिमिलरली आप दूसरा सर्वर के लिए एक और हेल्थ चेक बनाएंगे और वहां पे भी आप उसकी पब्लिक आईपी एंटर करके उसका हेल्थ चेक क्रिएट करेंगे। जब आपके दोनों हेल्थ चेक क्रिएट हो जाएंगे उसके बाद आप अपने होस्टेड जोन में जाएंगे और वहां पे अब रिकॉर्ड सेट क्रिएट करेंगे, यहां अब आप क्रिएट रिकॉर्ड सेट पे क्लिक करेंगे और अब की बार आप यहां पे फेल ओवर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप दो हेल्थ चेक बना चुके हैं तो अब कोई इश्यू नहीं है। अब आपको यह बताना है कि प्राइमरी सर्वर कौन सा होगा और सेकेंडरी कौन सा होगा, तो प्राइमरी आपका मेन होगा जो मैंने आपको बताया, और अगर प्राइमरी फेल होता है तो ऑटोमेटिक सेकेंडरी पे चला जाएगा। तो प्राइमरी के लिए आप यहां पे प्राइमरी की सेट आईडी आपने कर दी है, और अभी फिर आपको जो आपका सर्वर है वो सर्वर की डिटेल आपको यहां पे डालनी पड़ेगी, आप यहां पे उसकी आईपी एड्रेस एंटर करेंगे, ठीक है, इस जगह पे, और उसके बाद आप इसे क्रिएट कर देंगे। सिमिलरली अब जब दूसरा सर्वर बनाएंगे उसकी आईपी यहां पे आप डालेंगे, और एक और रिकॉर्ड सेट आपको बनाना पड़ेगा, तो वहां पे आप दूसरे सर्वर की आईपी डालेंगे और यहां पे सेकेंडरी में आप
सेकेंडरी का कुछ भी नाम दे सकते हैं, सेकेंडरी ही लिखा रहने दें, और अब आप उसे क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही आपके दो सर्वर क्रिएट हो जाएंगे, उसके बाद आप चेक करें, आपका सारा ट्रैफिक प्राइमरी पे ही जाता रहेगा, लेकिन जैसे ही प्राइमरी फेल होगा, आपका जो ट्रैफिक है वो सेकेंडरी पे जाने लगेगा। फ्यूचर में मैं इसकी सारी डेडिकेटेड लैब्स लेके आऊंगा वक्त मिलने पे, लेकिन फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट है मैं सब कुछ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आप अभी लैब नहीं भी करते हैं, वैसे मेरी वेबसाइट होस्टिंग की लैब अवेलेबल है, वो आप कर लें, सिलेबस में उतना ही है। बट हाँ, मैं इन सभी राउटिंग पॉलिसी के ऊपर फ्यूचर में जरूर लैब लेकर आऊंगा, जहां मैं डोमेन भी परचेज करूंगा और आपको ये लैब भी करके दिखाऊंगा। बट अभी इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आप में से फ्री टीयर अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें $12 या $15 आपको देने पड़ेंगे बिना बात के, और उसकी अभी जरूरत भी नहीं है। तो बेटर ये है कि आप इस लैब को समझ लें कहाँ क्या क्या होता है। आप अगर इतना भी समझ लेते हैं तो ये मोर देन एनफ है, आपको पता होना चाहिए। तो फेल ओवर का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जियो लोकेशन आप सिलेक्ट अगर करते हैं, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जियो लोकेशन के केस में आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया मैं ये जो सर्वर मैंने यहाँ पे आईपी डाली है, इसे मैं किस कंट्री के लिए बना रहा हूं। तो सपोज मैंने एशिया के लिए सर्वर को बनाया है, तो एशिया का ट्रैफिक सारा सर्वर इस आईपी पे जाएगा, जो भी आईपी मैं यहां पे डालूंगा। सपोज मेरे पास चार सर्वर हैं, तो एक सर्वर मैंने एशिया के लिए बना दिया, तो इस वेबसाइट पे जो कुछ भी चल रहा होगा, एशिया से जो भी आईपी आएगी, वो उसको ये वाली वेबसाइट दिखेगी जो आईपी मैं यहां पे डालूंगा। ऐसे ही आप एक और रिकॉर्ड सेट क्रिएट करेंगे दूसरी कंट्री के लिए, यूरोप के लिए, आप चाहें तो कॉन्टिनेंट्स के लिए, जैसे आपने कॉन्टिनेंट्स के लिए कर लिया, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कंट्री वाइज करना चाहते हैं, आप कंट्री वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जितने चाहे रिकॉर्ड सेट क्रिएट कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है, आप कितने भी रिकॉर्ड सेट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको अलग 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 रिकॉर्ड सेट क्रिएट करने पड़ेंगे जियो लोकेशन के केस में, तो ये भी आपको समझ आ गया। इसके बाद मल्टी वैल्यू आंसर है, आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक साथ ये आपको कई सारे आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, रिकॉर्ड सेट के अंदर हमारी राउटिंग पॉलिसीज कहाँ पे होती हैं, क्या क्या होता है, हेल्थ चेक आपने देख लिया। अब अगर हम ट्रैफिक पॉलिसी की बात करें, तो देखिए मैं ट्रैफिक पॉलिसी दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको बड़े खूबसूरत तरीके से ये डिजाइन करके देगा। अगर आप अपनी टीम को बताना चाहते हैं कि भैया हमारा ट्रैफिक ऐसे ऐसे राउट हो रहा है, तो इस तरीके का ग्राफिकल इंटरफेस ही आपको बना के देता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप क्रिएट ट्रैफिक पॉलिसी पे जाए, यहाँ पॉलिसी का नाम दें, सपोज google.com, और वर्जन में अभी मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, मैं वर्जन 1 दे देता हूँ, चलो वर्जन 1, और नेक्स्ट करता हूँ। तो आप देखें मेरे को यहाँ नजर आ रहा है एक आईपी। अब मैं ये कहता हूं कि क्या ये मेरी जो ट्रैफिक पॉलिसी है ये आईपी एड्रेस के बेस पे चल रही है। अब मैं आईपी एड्रेस के बेस पे किससे कनेक्ट करना चाहता हूं, मैं कहता हूं मैंने यहाँ पे जियो लोकेशन पॉलिसी लगा दी है। अब मैं लोकेशन यहाँ सिलेक्ट करना, तो मुझे लोकेशन यहाँ सिलेक्ट करनी है, मैं कहता हूँ यहाँ अफ्रीका के लिए मैंने पॉलिसी लगाई है, और अफ्रीका वाला सर्वर जो है वो अभी मेरा यहाँ पे मुझे यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप अनदर जियो लोकेशन यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अनदर जियो लोकेशन यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर फर्दर उसे आगे कनेक्ट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग एंड पॉइंट के साथ। अभी मेरा है नहीं, इसलिए नजर नहीं आ रहा, मैं डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट कर सकता हूं। इस तरीके से ग्राफिकल इंटरफेस आपको नजर आएगा कि मेरी चीजें कहां से कैसे कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं, और फिर आप इस डिजाइन को अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं इंपोर्ट ट्रैफिक पॉलिसी करके। तो ये भी बड़ा खूबसूरत तरीका है डिजाइन करने का, ट्रैफिक पॉलिसी समझाने का, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। आपके जो भी डोमेन रजिस्टर्ड होंगे वो यहाँ आपको लेफ्ट साइड में नजर आ जाएंगे, और अगर कोई डोमेन के लिए रिक्वेस्ट की हुई है और वो एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो वो पेंडिंग रिक्वेस्ट में नजर आ जाएगी, या अगर किसी और ने ट्रांसफर रिक्वेस्ट आपको भेजी हुई है, तो वो भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आई होप समझ आ गई होंगी, होस्टेड जोन आपको समझ आ गया है। उसके बाद जो होस्टेड जोन आपने बनाया है, आप चाहें तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड सेट को भी डिलीट कर सकते हैं, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये छोटी सी लैब थी, लेकिन आपको समझ आ गई होगी कि राउट 53 में हम कहां क्या कर सकते हैं। इसके बाद मेरी S3 स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग की लैब ऑलरेडी अवेलेबल है, जहां मैंने डोमेन रजिस्टर करके आपको दिखाया है, बट वहां मैंने फ्री नॉम वेबसाइट का इस्तेमाल किया है, जहां पे मेरे ख्याल से अब डोमेन फ्री में नहीं मिलता है। तो अगर कहीं से डोमेन आपको मिल सकता है या 100-200 रुपए देके आप डोमेन खरीद सकते हैं, तो आप वो डोमेन खरीदने के बाद इन सारी लैब्स को खुद से भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको इस लैब में समझाया है। आई होप ये लैब आपको समझ आई होगी और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आपको है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर लैब आपको अच्छे से समझ आ गई है तो भी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर ये बात आप मुझे बताएं। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए।